के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक तथा किसानों को संपूर्ण बिजली फ्री देने की जैसी मांगों को लेकर चल रहे जनता आंदोलन के तहत झुंझुनू में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। जिला परिषद सदस्य पंकज धनकर ने बताया कि बिजली के बिलों में फ्यूल, वाटर और स्थायी शुल्क जैसे चार्ज लगाकर सरकार अवैध वसूली कर रही है, जिसे बंद करने और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक तथा किसानों को फ्री बिजली देने के लिए पूरे राजस्थान में जनता आंदोलन चल रहा है। इसी क्रम में अब हर पावर हाउस पर प्रदर्शनी कर ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया गया है। दिसंबर में जिला मुख्यालय पर एक बड़ी रैली होगी। यदि तब तक सरकार इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं लेती है तो बिजली के बिलों का बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा। दिसंबर के बाद सरकार यदि बिल भेजेगी तो उनकी होली जलाकर विरोध किया जाएगा, लेकिन अब सरकार को अवैध वसूली नहीं करने दी जाएगी। ये जनता आंदोलन पूरे राजस्थान में चल रहा है और ये बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है। राजस्थान में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, किसानों को बिजली बिल्कुल फ्री दी जाए और बिजली बिल में जो यूनिट चार्ज है उसके अलावा जितने भी चार्जेज हैं, स्थायी शुल्क है, अन्य शुल्क है, जलकर है, फ्यूल चार्ज है, जितने भी चार्ज हैं वो अवैध हैं। क्योंकि आप जब बिजली उपभोक्ता बिजली जला रहे हैं तो आप डीजल का चार्ज उनसे कैसे वसूल सकते हो? जब उपभोक्ता बिजली जला रहा है तो उसे पानी का चार्ज, पानी के बिल में आप पानी का चार्ज ले सकते हो, बिजली के बिल में पानी का चार्ज ले रहे हो और पानी के बिल में आप बिजली का चार्ज ले रहे हो। इस लूट के खिलाफ ये पूरे जिले के सारे जितने भी GSS हैं, बिजली के पावर हाउस हैं, उन पर ज्ञापन दिया जा रहा है। उसके तहत आज झुंझुनू शहर के लोगों ने जिला मुख्यालय पर यहाँ ज्ञापन दिया है। अगले सप्ताह में बगड़ का कार्यक्रम है। इस तरीके से जितने भी जिले के पावर हाउस हैं उन पर ज्ञापन देने के बाद दिसंबर में पूरे जिले के लाखों लाख लोगों की, बिजली उपभोक्ताओं की यहाँ रैली रखी गई है। सरकार नहीं मानेगी तो बिजली बिलों का बहिष्कार करें।